हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 12 का मैथ का है और यह मैथ का फर्स्ट भाग का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के 4.3 प्रश्नावली को कंप्लीट किया गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 4.4 के क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि आपका उपसारी क्या होता है और आपका उपसारी का स्वखंडज क्या होगा। तो उपसारी में प्रत्येक एलिमेंट का उपसारी हम आसानी से निकाल सकते हैं और उसी उपसारी का स्वखंडज अगर निकालना होगा तो ये जो चिन्ह होता है, चिन्ह के साथ उसके मान को निकालेंगे तो स्वखंडज होगा। जैसे समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा 2 - 4 - 0 और 3, ये 2x2 का है। ये उपसारणिक निकालना है, उपसारणिक पहला, दूसरा स्वखंडज। उपसारी निकालने के लिए प्रत्येक एलिमेंट का निकालेंगे तो देखिएगा 2x2 का हम आपका डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ, a11 a12 a21 a22, यही पूरी उपसारी होंगे। तो a11 लेंगे, देखिए a11 में आपका यह आएगा, बचेगा यह, तो क्या बचेगा 3। ये अगर 12 लिख रहा है, a11 का उपसारणिक थ्री हो जाएगा, a12 का उपसारिक, a12 का उपसारिक, तो यह आपका हटेगा और यह बचेगा आपका, यह 0 हो जाएगा। a21, अब a21 होगा तो जान लीजिए, अब यह और यह बचेगा केवल यह -4 a22। हम यहाँ लिएगा a22 का मतलब यह हो जाएगा, यह क्या बचेगा वो 2। ये तो 2x2 के प्रत्येक एलिमेंट का उपसारणिक हुआ, ठीक है। अब हम स्वखंडज निकालेंगे तो इसी का स्वखंडज हो जाएगा, देखिएगा कैपिटल a11, अब यह लिखेगा -1 to the power 1 - 1 - 1 × 3, कितना जाएगा -1 to the power 1 - 1 2 हो जाएगा, और -1 का वर्ग कितना हो जाएगा प्लस, और 3 का गुणा करेंगे 3। यदि कहने का मतलब यह है कि अगर ये सम रहेगा ऋणात्मक होगा, अभी सब रहेगा तो ऋणात्मक होगा। अब ये 1 to the power 1 - 1 × 2 × 0, तो यह आपका विषम होगा लेकिन 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। a21 कितना जाएगा -1 × 2 - 1 × −4, तो आपका -1 × -4 कितना जाएगा 4। a22 कितना होगा -1 × 2 + 2 × 2, तो -1 × 4 यानी 1 / 2 / 2।
ये जो आपके शुक्र राशि के सारिक हैं, इस सारिक का उपसारी जो होगा यह होगा, अश्वखंड जो होगा यह होगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ। बाद हुआ, अब देखिए 2, ये इसको भी आप वही निकालना है, सारिक उपसारिक, तो 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 01। ये आपका प्रत्येक एलिमेंट का उपसारी अश्वखंड निकालना है। और ये 3 का 3 का ये कितना है, 3 का 3 का, तो अगर इसका हम लिखें तो क्या लिखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A34, नहीं A32 और A33, यही हुआ। यही आप उत्साहित कर निकाला है A11 आया, उप सहायक। सारिक निकाला जाए, A11 निकालेंगे। देखिए A11 या इसका बोला इसमें, इसका बोला इसमें कितना जाएगा, आपका 1 जाएगा। A12 जब A12 निकालेंगे, देखिए यह आपका इसका बोला इसमें 0 है, इसका बोला इसमें A13 और 13 इसमें आ जाएगा। ठीक, इसका बना इसमें, इसका बना इसमें, और A21 करेंगे, देखिए 2 हो जाएगा, हवा यह हो जाएगा, इसका बना इसमें, इसका बना इसमें A22 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका इसमें, इसका इसमें 1 होगा ना। और A23, अब 3 वाला यहाँ पर आ जाएगा, इसका लगेगा इसका इसमें, इसका इसमें गुणा 0 हो जाएगा। और A31 करेंगे, अब A31 करेंगे तो देखिए 3 हो जाएगा, या 1, इसका इसमें, इसका इसमें। A32 करेंगे, A3, अब 2 वाला यह आ जाएगा, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें 0 हो जाएगा। A33 करेंगे, A33 में आपका आ जाएगा यार, इसका इसमें 1। अब इसका ये तो उपसारिक हुआ, अब शाखंड लिखेंगे। शाखंड मतलब चिन्ह, अब कैपिटल A11 1 और 1 2 है तो सम तो धनात्मक होगा, A12 सम कोई मतलब नहीं है, जरूर लगाएंगे तो A13 क्या होगा, ये भी आपका
धनात्मक ए टू थ्री तीन पाँच विषम ए टू ए थ्री वन तो तीन एक चार सम तो धनात्मक जीरो को मतलब नहीं है। ए थ्री टू ए विषम तो भी जीरो है कोई मतलब नहीं। ए थ्री थ्री सम धनात्मक हो जाएगा। ये आपका उपसारिक हुआ, ये आपका सखंडज हुआ, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हुए। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। दूसरे पक्ष के अवयव का प्रयोग करके यदि आपका प्रयोग करके सखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना, पांच तीन आठ दो जीरो एक तो उसके बाद एक दो तीन यानी दूसरे पक्ष दूसरा पक्ष में यही हो गया। इसका मान निकालना होगा, दूसरा में क्या हो जाएगा, इसका उपसारिक ए टू वन और इसका सखंड ए टू वन धन ए टू टू और ए टू टू अधन ए टू थ्री इंटू ए टू थ्री यही निकाल कर दिया। दूसरा पक्की यही मान निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यह आपका टू वन टू 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 थ्री इसका उपसारी और सखंडज के गुणनफल का योगफल कर लीजिए। तो दूसरा आपका हो जाएगा दूसरे पक्ष का, इसी तरह निकाले जा रहा हूँ, देखिएगा ए टू वन बराबर कितना हो जाएगा, ए टू क्या हो गया ए टू वन इसका इसमें बुरा तीन त्रिकी नौ और माइनस आठ गुना सोलह कितना होगा माइनस सात ए ए टू टू ए आपका टू टू यह हो जाएगा इसका बुरा इसमें तीन पीछे पंद्रह माइनस आठ सात ए टू थ्री होगा तो जान लीजिए अब यह कंसीडर होगा यह आ जाएगा तो बच रहा क्या यह और यह तो पचीजा माइनस तीन और कितना होगा सात। अब यहाँ पर लिखा जाए इसका आपका मान हो जाएगा कितना ए टू वन माइनस सात और देखिएगा ए टू वन टू है देखिए सॉरी ए टू है और इसका मान हो जाएगा देखिए सखंड में आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा सात और हम ए टू टू जीरो और इसका कितना माइनस सात अधन ए टू थ्री वन अंगड़े और टू थ्री का सखंडज तीन पाँच माइनस सात हो जाएगा
सात गुना 14 = 0 माइनस 7 = 14 ऐसे 7 हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे पंक्ति की उपयोग करते हुए इसका जो मान हम निकालेंगे वो मान कितना होगा? 7 होगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तीसरे स्तंभ को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका रिजल्ट आएगा इस प्रकार। ये आपका जो प्रश्नावली है 4.4 कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके नेक्स्ट प्रश्नावली को देखा जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।